हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल प्रताप जी टेक। मैं आपका दोस्त तेज प्रताप। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप किनकी आई है और किनकी नहीं आई है, और जिनकी नहीं आई है उनकी कैसे आएगी, और क्या गलती ना करें कि स्कॉलरशिप ना आए। तो चलिए सही बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप किसकी आ गई है। कुछ बच्चों की स्कॉलरशिप लास्ट मंथ तक आ गई थी, बाकी उसके बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आया कि स्कॉलरशिप आपकी आ सके। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि कब आ रही है स्कॉलरशिप। देखिए, आपका हो सकता है 26 जनवरी तक स्कॉलरशिप आ जाए आपके अकाउंट में। अब किस अकाउंट में आएगा दोस्तों, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने अपने आधार कार्ड से जितने भी अकाउंट लिंक करा रखे हैं उनमें से किसी में भी आ सकता है। तो आप सभी अकाउंट को, जो भी हो, चाहे वो एयरटेल अकाउंट हो या फिर पेटीएम अकाउंट हो या फिर कोई भी बैंक का अकाउंट हो, उन सभी को जिनमें आधार कार्ड लिंक है उन सभी को एक बार चेक कराते रहिएगा। क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है कि उनकी स्कॉलरशिप एयरटेल वाले अकाउंट में आ गई है। मजाक मजाक में उन्होंने अपना एयरटेल का अकाउंट खोल लिया था जिसमें उनकी स्कॉलरशिप आ गई है। अब बचते हैं जिनका सिर्फ एक ही अकाउंट है। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपकी स्कॉलरशिप जरूर आएगी, उसी दिन आ सकती है, उसके बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस पर अभी BTUP की बात चल रही है, जो स्कॉलरशिप देते हैं उनकी बात चल रही है कि 26 जनवरी तक प्रपूर्ति कर दिया जाए स्कॉलरशिप का, ठीक है। और दूसरी बात कि आपकी स्कॉलरशिप जो नहीं आई थी, कुछ बच्चों को देखिए पिछले साल या फिर अगर पिछले 6 साल तक का अकाउंट है आपके पास जिसको आपने बंद करवा दिया है, उसमें भी स्कॉलरशिप आ सकती है, ठीक है। तो आप एक बार उसको भी चेक करा लीजिएगा, अभी नहीं 26 जनवरी के बाद उसको एक बार चेक करा लीजिएगा जो आपने अकाउंट बंद कर दिया है। और आपके आधार कार्ड से जितने भी अकाउंट ओपन हैं, जितने भी अकाउंट लिंक है आधार कार्ड से, उन सभी को एक बार चेक करा लीजिएगा अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो। आपने अगर जनधन योजना वाला अकाउंट दिया है तो एक बात याद रखिएगा कि उसमें आपका स्कॉलरशिप आएगा पर कम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो बाकी स्कॉलरशिप अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ कोई प्रॉब्लम लगती है आपको तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस कैसे चेक करना है मैं अभी बता दूंगा आपको। तो आप अपना स्टेटस देख के पता कर सकते हैं कि आपके स्कॉलरशिप में कोई गलती तो नहीं है। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप में गलती की है तो अपने स्टेटस में चेक करने के बाद आप उसको सुधार कर लीजिएगा। अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि इस गलती के लिए मैं क्या करूँ, वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक करें। तो सबसे पहले हम क्रोम खोलेंगे। क्रोम खोलने के बाद इसमें टाइप करेंगे यूपी स्कॉलरशिप, ठीक है। यूपी स्कॉलरशिप टाइप करते ऊपर आ जाएगा स्कॉलरशिप .up.gov.in, इस पर टैप करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टैप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, 3 डॉट पर टैप करके डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें ऊपर देखिए आपको लिखा होगा, यहाँ देखिए स्टूडेंट इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। आप इसको थोड़ा जूम करेंगे, जूम करने के बाद स्टूडेंट पर टैप करेंगे। इसमें काफ़ी सर्वर बना हुआ है तो रेनुअल सर्वर पर बस लॉन्ग प्रेस करेंगे, उस पर टाइप नहीं करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे। उसमें आपको देगा प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, इंटरमीडिएट लॉगिन, पोस्ट मैट्रिक। तो आप सिंपली पोस्ट मैट्रिक वाले पे टैप कर देंगे, ठीक है। अब आपको लॉगिन करना है तो आप देखिए यहाँ दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन संख्या भरें, ठीक है। उसके बाद दे रहा है डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए, इसमें पासवर्ड भरना है आपको, पासवर्ड जो आपके स्कॉलरशिप का पासवर्ड है। उसके बाद इसमें कैप्चा भर, इसमें अपना कैप्चा भर देना, ठीक है। इतना भर के सबमिट करना है। तो चलिए मैं अपना करता हूँ। तो भाई जैसे ही आप अपना ID, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा जिसमें आपका पूरा डाटा होगा, ठीक है दोस्तों, स्कॉलरशिप का, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, सिंपली आपको अपना स्टेटस देखना है। तो आप ऊपर देख रहे होंगे, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे ये लिखा है आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए, यहाँ टैप करें जो इधर से उधर हिल रहा है दोस्तों, ये है, ठीक है, ये देखिए इस पर आप टैप करेंगे। आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए यहाँ टैप करें, ठीक है। इस पर आप जैसे ही टैप करेंगे, टैप करते ही आपके सामने कुछ खुल के आ जाएगा जिसमें अगर आपका कुछ भी रिजेक्ट हुआ होगा तो वो तुरंत आपको उसमें शो कर देगा। तो चलिए इस पर टैप करते हैं। वी आर सॉरी सर, मिरर ऑफ दोस्तों, क्या है ना, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, आई डोंट नो। पर आप ऐसे ही ट्राई करेंगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा और आपको क्या करना है उसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो
स्टेटस ऐसे चेक कर सकते हैं, और कोई भी स्टेटस में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कॉलेज में तुरंत कॉन्टैक्ट करें, कॉलेज वाले बताएंगे आपको क्या करना होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।